हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल बिस्ट में फिर से आपका स्वागत है। आइए मैं आपको ट्रांसफार्मर चेक करने का तरीका बता रहा हूँ कि ट्रांसफार्मर सही है या गलत है। जो आप ये ट्रांसफार्मर मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसको मैं आज चेक करूँगा। इसके पहले आप मेरे चैनल में अगर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसा वीडियो रोज़ लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों, जो तरीका मैं आपको बताऊंगा ट्रांसफार्मर चेक करने का, इस तरीके से आप किसी भी ट्रांसफार्मर को चेक कर सकते हैं जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी बाइंडिंग हो, बड़ा हो या छोटा हो। तो ये दोस्तों, प्राइमरी सेकेंडरी बाइंडिंग पहचानने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। जिसमें इनपुट सप्लाई दिया जाता है वो बाइंडिंग प्राइमरी होता है, और जो आउटपुट करती है वो बाइंडिंग सेकेंडरी होती है। तो आइए दोस्तों, इस ट्रांसफार्मर को हम चेक करते हैं। ये जैसे लाल वाला कलर जो दिख रहा है आपको, ये इनपुट है, और ये जो पीला वाला दिख रहा है वो आउटपुट है। इसमें लिखा भी रहता है, इस ट्रांसफार्मर में नहीं लिखा है, पुराना ट्रांसफार्मर है, इस पर टेप चिपक चुका है। तो इसमें लिखा रहता है जैसे 12 वोल्ट आउट लिखा रहता है आउटपुट में, सेकेंडरी में, और प्राइमरी में 220 वोल्ट इनपुट लिखा रहता है। इस तरीके से भी आप पहचान जाएंगे कि कौन सा बाइंडिंग प्राइमरी है, कौन सा बाइंडिंग सेकेंडरी है। सबसे सही तरीका पहचानने का यही है कि जिसमें इनपुट दिया रहता है वो बाइंडिंग प्राइमरी होता है, और जिसमें आउटपुट होता है वो बाइंडिंग सेकेंडरी होता है। तो आइए दोस्तों, इसको चेक करते हैं कि ये सही है या गलत है। तो सबसे पहले हम मल्टीमीटर का प्रयोग करेंगे, जो मेरे पास है ये। इस मल्टीमीटर को हम लोग डाइवोल्ट सिस्टम में रखेंगे, कंटिन्यूटी सिस्टम जिसको कहते हैं, जिस पर मैं रखा हूँ फिलहाल में, अभी कंटिन्यूटी पे। अब देखिए, इसको वायर शॉर्ट करने पे बीप की आवाज़ आती है, तो समझ लिया जाएगा मेरा मीटर काम कर रहा है। अब इसको प्राइमरी बाइंडिंग हम चेक करेंगे दोनों को। देखिए, ये बता नहीं रहा है, इसका मतलब हुआ ये हमारा प्राइमरी बाइंडिंग ख़राब है, यानी ट्रांसफार्मर ख़राब है। सेकेंडरी को चेक करते हैं, तो सेकेंडरी बाइंडिंग बता रहा है दोस्तों, इसका मतलब है इस ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी बाइंडिंग सही है और प्राइमरी बाइंडिंग ख़राब है। और प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को भी एक बार चेक करेंगे कि अंदर में ये मेल्ट तो नहीं हुई है, आपस में शॉर्ट तो नहीं हुई है, शॉर्ट नहीं हुई है। लेकिन इसका प्राइमरी यानी इनपुट बाइंडिंग नहीं बता रहा है, इसका मतलब हुआ ये ट्रांसफार्मर ख़राब है। मैं इसको यहाँ रख देता हूँ अलग। मेरे पास एक और दूसरी ट्रांसफार्मर है, सेम यही है, इतना ही वोल्ट का, 12 वोल्ट का ये भी है आउटपुट। इसमें भी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों बाइंडिंग हैं। आइए इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका प्राइमरी बाइंडिंग चेक कर रहा हूँ। ये देखिए, प्राइमरी बाइंडिंग बता रहा है 1175 ओम बता रहा है ये रेजिस्टेंस, और सेकेंडरी बाइंडिंग भी सही है इसका। और सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों बाइंडिंग आपस में मेल्ट तो नहीं है अंदर में, इसको हम चेक कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है, ये मेल्ट नहीं है। और बॉडी से भी इसको अर्थ चेक कर लेंगे, एक बाइंडिंग इसमें से अर्थिंग, और एक प्राइमरी से भी इसको अर्थिंग चेक करेंगे। ये बाइंडिंग बिल्कुल ठीक है, ये ट्रांसफार्मर बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि इसका प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों कॉयल ठीक है, दोनों बाइंडिंग ठीक है, इसलिए ये ट्रांसफार्मर सही है। और ये ट्रांसफार्मर ख़राब है जिसका प्राइमरी नहीं बता रहा है, इनपुट नहीं बता रहा है। देखिए, ये ब्रेक हो गया है, इसका मतलब ये ट्रांसफार्मर ख़राब है। ये रहा ट्रांसफार्मर चेक करने का तरीका दोस्तों। इस तरीके से आप बड़ा से बड़ा ट्रांसफार्मर चेक कर सकते हैं। सेम चेक करने का, बड़ा ट्रांसफार्मर हो या छोटा ट्रांसफार्मर हो, सेम चेक करने का तरीका रहता है दोस्तों। तो इस ट्रांसफार्मर, ये भी जानकारी होना चाहिए आपको कि एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। तो दोस्तों, ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है, एक स्टेप अप और एक स्टेप डाउन। तो इसमें क्या होता है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी से ज़्यादा वोल्टेज आउट करता है, जैसे प्राइमरी इनपुट होता है 220 वोल्ट, और 220 वोल्ट से ज़्यादा अगर आउटपुट्स में वोल्टेज आउट करता है तो इसे स्टेप अप कहते हैं। और प्राइमरी की अपेक्षा सेकेंडरी में वोल्टेज अगर कम आउट करता है उसे स्टेप डाउन कहते हैं। जैसे ये ट्रांसफार्मर जो हम लोग चेक किए हैं अभी, ये 12 वोल्ट की ट्रांसफार्मर है, आउटपुट इसकी 12 वोल्ट है, तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलेगा। अगर ये 220 वोल्ट से ज़्यादा आउटपुट करता, जैसे इनपुट 220 वोल्ट है और आउटपुट ये 300 वोल्ट अगर करता, तो इसे स्टेप अप कहते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों, इसको चेक करते हैं। हम कैसे चेक करेंगे कि ये स्टेप डाउन ही है, स्टेप अप क्यों नहीं है? तो इस ट्रांसफार्मर को स्टेप अप स्टेप डाउन चेक करने के लिए सबसे पहले हम मल्टीमीटर से रेजिस्टेंस नापेंगे। जैसे ये प्राइमरी का रेजिस्टेंस देखेंगे कितना है,
इसका रेजिस्टेंस बता रहे हैं 1175, तो इस रेजिस्टेंस से ज़्यादा रेजिस्टेंस सेकेंडरी का होना चाहिए। अगर ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा तो सेकेंडरी का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो देखते हैं 1175 प्राइमरी में था, इसमें कितना आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, इसमें आ रहा है 27, इसका मतलब हुआ ये प्राइमरी से इसका रेजिस्टेंस कम है, तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलेगा। अगर प्राइमरी से ज़्यादा रेजिस्टेंस रहता है सेकेंडरी में, तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है। तो यही पहचान है दोस्तों स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की। तो हमें विश्वास है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ज़रूर अच्छा लगा होगा, इसलिए इसे बेहतर से बेहतर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।